हेलो गाइस, फोर्टिनाइन ब्लॉक चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सही दिल से। तो गाइस, आज वीडियो बनाने का कुछ टॉपिक मेरे को अलग सा इनुक सा लगा थोड़ा। तो गाइस, क्यों मुझे ऐसा लगा, मतलब देखिए, कल रात को बारिश आया था, बहुत ज़ोर से बारिश आया था कल रात को। आई थिंक मेरे को पता है, शायद रात को 11:30 बजे के लगभग कल रात को बारिश आया था। तो बहुत सारा बारिश हुआ और चारों तरफ पानी पानी हो चुका है गाइस। तो आज का वीडियो बनाने का टॉपिक बस यही था, मतलब यही रहेगा कि आप लोग जब भी आप लोग जाते हो मार्केट में, मतलब मान लो मार्केट में आप लोग जा रहे हो, आलू वगैरह खरीद रहे हो या चाहे कपड़े वगैरह खरीद रहे हो, उससे कोई मतलब कोई मैटर नहीं करता, बस आप लोग को बोलना यही है। तो गाइस, आप लोग क्या करते हो, जो आप लोग जब मार्केट में जाते हो तो आप लोग ऐसे वाला जो पन्नी होता है, चाहे वो प्लास्टिक होता है, चाहे कुछ भी हो, आप लोग को वो दुकानदार आप लोग को उसमें कपड़े वगैरह भरा के, चाहे आलू लो चाहे आप लोग कपड़े वगैरह लो, तो आप लोग को ऐसा एक पन्नी आप लोग को देता है। आप लोग देख सकते हो ऐसा अलग पन्नी। तो गाइस, ऐसा पन्नी देने के बाद आप लोग क्या करते हो, सामान आनते हो, सामान आनने के बाद यूज़ करते हो उस सामान को, और पन्नी वगैरह जो होता है ना, आप लोग ये पन्नी वगैरह से मैं आप लोग को और दिखाना चाहता हूँ। बस से मान लो आप लोग को फ्लिपकार्ट का कुछ पन्नी दिया, उसमें कुछ सामान दिया फ्लिपकार्ट का, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग क्या करते हो, सामान रख लेते हो और उसको क्या करते हो, रास्ते वगैरह में यहाँ से वहाँ मतलब फेंक देते हो उसको। क्या आप लोग, मैं वाला आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, आप लोग ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदा दुकान से, कोल्ड ड्रिंक आपने पी लिया और इस बोतल को आप लोग ने रास्ते पे फेंक दिया। तो गाइस, ये सब ना करें, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि देखिए गाइस, आप लोग पन्नी वगैरह चाहे बोतल वगैरह अगर कुछ भी खरीदते हो आप लोग, तो उसको क्या करें, आप लोग घर पे रख के स्टोर करके, या तो उसको आप लोग जला दे सकते हो, या तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जो कूड़ा का कचरा का जो गाड़ी आता है हर दिन हर मॉर्निंग के टाइम में आ जाता है, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, कूड़ा गाड़ी वाला ना आप लोग कूड़ा को डाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस, इसका मतलब रीजन क्या है, तो गाइस आप लोग कूड़ा कचरा वगैरह लेते हो, आप लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हो, तो गाइस इससे क्या होता है, आप लोग को प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है गाइस, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, तो प्रॉब्लम क्या होता है गाइस, आप लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हो, तो क्या होता है, रास्ते पे जब आप लोग फेंकते हो वो कूड़ा कचरा को, तो क्या होता है, बारिश जब जोर से आता है तो वो चीज़ को क्या, आप लोग समझ गए उसके मतलब, ये पानी जब जोर से आता है तो क्या करता है, रास्ते का जो कूड़ा कचरा आप लोग फेंकते हो तो सीधा जाता है ड्रेन पे। ड्रेन पे जाने के बाद गाइस वो अटक जाता है, तो पानी वगैरह जाता नहीं, तो उसके बाद क्या होता है, जो गाइस जो रास्ते का पानी जो जा नहीं सकता है वो सीधा रास्ते पे उड़ जाता है। तो आप लोग वही गंदा पानी को कचार के जाते हो या छू के जाते हो पाँव से, तो गाइस वो काम आप लोग ना करें। तो गाइस, नलबाड़ी का अभी सिचुएशन क्या है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा और वीडियो में दिखाना चाहूँगा कहाँ कहाँ पे पानी हो चुका है, कहाँ कहाँ पे नहीं हुआ है और कौन कौन से रास्ते पे पानी हो चुका है गाइस, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस दिखा दूंगा वीडियो जाके, अगर आप आगे जाके वीडियो को अगर अच्छा लगता है आप लोग को, तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पर सेट करके पहले से कमेंट कर देना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कोई कोई सोच रहा होगा गाइस ये क्या बोले जा रहा है, पागल बंदा है क्या क्या बोले जा रहा है, ये कचरा वचरा क्या क्या वीडियो बना रहा है। तो गाइस मैं पागल हूँ, मैं अगर अच्छा बात बोलूँ तो मैं पागल हूँ गाइस, पर आप लोग तो पागल ना बनो, आप लोग तो कम से कम सही इंसान बनो गाइस। तो चलिए गाइस, चलते हैं जगह पे और दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे पानी हो चुका है, कहाँ कहाँ पे नहीं हुआ है। और गाइस वीडियो जाके अगर अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पे सेट करके पहले से कमेंट कर देना, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। गाइस मिलते हैं डायरेक्टली जगह पे, और चलिए गाइस वीडियो पे बने रहे। ऑडियो जंगल। तो गाइस इसके रीजन आप लोग देख सकते हो, देखिए कितना सारा पानी उग चुका है और ये सारे के सारे पानी जो कल भर पे अटक चुका है, जो है ना जा नहीं सकता है गाइस। आप दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे पानी हुआ, कहाँ कहाँ पे नहीं, ये सब तो आप बोल रहा कि आप लोग गलत हो, ये नहीं बोला गाइस आप लोग गलत हो, आप लेकिन आप लोग का जो सोच है वो गलत है। आप लोग कचरा कचरा वगैरह यहाँ वहाँ ना देते हो, इससे आप लोग से रिक्वेस्ट है।
कचरा वगैरह आप लोग स्टोर करके उसमें जला सकते हो, या तो किसी मंदिर में गाड़ी आता आप वहाँ पर फेंक सकते हो गाइस। देखिए गाइस ये गंदा पानी के आप जाके या छुप के जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो गाइस। गाइस आप अपने घर को जितने क्लीन रखते हो आप उतनी रास्ते को भी तो क्लीन रखिए गाइस। यहाँ वहाँ पूरा कचरा वगैरह ना फेंके गाइस, देख सकते हो इतना सारा पानी हो चुका है। चलिए और आगे जाके दिखाते हैं, हम यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करते हैं, आगे जाके दिखाते हैं और कहाँ कहाँ पे पानी हो चुका है। गाइस देख सकते हो कॉलेज छूट जाने वाला रास्ते में भी इतना सारा पानी हो चुका है। जाने वाला रास्ता देखिए कॉलेज चौक का धीरे धीरे जाने वाला रास्ता नतना पानी। ये आप लोग का करने के वजह से हुआ है गाइस, ये आप लोग पूरा कचरा कैसे फेंक देते हो और जाकर बाद में ये सब होता है। बेमुंडा जाने वाला रास्ता आप लोग देख सकते हो इतना सारा यहाँ पे पानी हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हो शायद इतना सारा पानी हो चुका है, चारों तरफ यहाँ पे पानी पानी चारों तरफ। Thank you.
रास्ता ना गाइस, पूरा रास्ता पे पानी है। तो मेरा गाड़ी है ना वो आधा पूरा डूब चुका है गाइस, गाड़ी पूरा आधा पूरा डूब चुका है। भोपाल बाजार भी दिखा देते हैं गाइस, भोपाल बाजार भी आप लोग देखेंगे कितना पानी हुआ है, कितना क्या नहीं हुआ है। भोपाल बाजार दिखा कर बस वीडियो को यहाँ से खत्म करें। भोपाल बाजार में भी इतना सारा पानी हो चुका है, चारों तरफ पानी पानी। सरकार ने आपको बहुत व्यवस्था दिया है, डस्टबिन वगैरह दिया आपको, तो डस्टबिन वगैरह में कचरा वगैरह फेंकिए। आप लोग वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे डस्टबिन है, तो ऐसा ग्रीन डस्टबिन और नीला डस्टबिन भी है, आप लोग वहाँ पे भी कचरा फेंक सकते हो। तो गाइस यहाँ हमारा कचरा ना फेंका, बस ये बोलना था आप लोग को, कचरा जो आप लोग गाइस आप लोग ने आई थिंक आप लोग ने देख लिया कि आप लोग कूड़ा कचरा अगर फेंकते हो तो उसका क्या नतीजा हो सकता है और क्या नहीं गाइस। तो गाइस आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगी छोटा सा, बस आप लोग जो कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें, अपने घर पे स्टोर करके रखिए, जब कूड़ा का गाड़ी जब आता है, कूड़ा कचरा वाला जब गाड़ी आता है तो आप लोग उसको दे सकते हो, या तो आप लोग वो भी नहीं कर रहे हो तो आप लोग कूड़ा कचरा जो वगैरह है आप लोग जला भी दे सकते हो, या तो डस्टबिन पॉइंट में आप लोग ले जाकर डस्टबिन पॉइंट में फेंक सकते हो गाइस। तो गाइस वीडियो बनाने का आज का टॉपिक बस यही था। तो गाइस वीडियो अगर देख के आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पर कमेंट कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।